फिल्मी स्टाइल में अपन हुई दुल्हन का अब तक नहीं लगा सुराग, लोगों में फैला आक्रोश। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जिले की दो थाना इलाके के नागवा गांव से कुछ ही दूरी पर बुधवार को अल सुबह फिल्मी स्टाइल में अपन हुई दुल्हन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित राजपूत समाज ने जल्द अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर विवाहिता को मुक्त करवाने की मांग की है। उधर राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा भी आज पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीजीपी कपिल गर्ग को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस मौके पर गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने राजपूत समाज से भी कानून हाथ में न लाने की अपील की। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने बताया कि अभी तक कार्रवाई में पुलिस इस घटना के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी तक दुल्हन और आरोपी अंकित को दस्तयाब नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्यशैली पर राजपूत समाज को पूरा विश्वास है। वहीं दूसरी ओर दुल्हन अपहरण मामले में आज भाजपा के नेताओं ने पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप को ज्ञापन देकर मांग की कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। भाजपा के पूर्व शहर विधायक रतन जलदारी, विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन हरिराम रणवा सहित कई भारतीय नेताओं ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेताओं ने का कहना है कि दुल्हन अपहरण मामला समाज के लिए कलंकित करने वाला मामला है। इस मामले में हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं से अपहरण की गई नवविवाहिता को मुक्त कराए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। दूसरी तरफ इस घटना के बाद खुद डीजीपी कपिल गर्ग ने मॉनिटरिंग शुरू कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा कि सीकर में गंभीर घटना हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, घटना के पीछे रहे कारणों तक पुलिस पहुंच रही है। पुलिस जल्द मामले की तह तक जाकर घटना शामिल सभी लोगों को पकड़कर मामले का खुलासा करेगी। वहीं डीजीपी ने घटना के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।